हॉस्पिटल आया, मेरा ख्याल ऑफिस में बहुत काम है। मुझे नहीं पता रहे, और वैसे भी आपकी कंडीशन के बाद मैं बस एक दो दिन ही गया हूँ ऑफिस, ज्यादातर तो ऑफिस बंद ही रहे। नहीं, ऑफिस में ही रहता वो, तो बहुत काम किया उसने, हर रोज मुझे अपडेट करता रहता था। तुम्हें तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। कर लिया उसने जितना काम करना था, अब वो लंदन जाने का फैसला कर चुका है। क्या लंदन? मगर यहाँ मेरे साथ अच्छा भला काम कर रहा है, लंदन क्यों जा रहा है? क्या तुम्हें साथ ले जा रहा है? नहीं, अकेला जा रहा है। वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बताता, उसकी बातें सिर्फ वो ही जानते। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे। प्लीज आप उसे लंदन जाने से रोक देना। रोकूंगा उसे। तुम जाके प्लीज देखो सूप रेडी हुआ है या नहीं। अगर उसका वहां है कौन? माँ मर चुकी है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है, वो अपने बड़े बड़े बच्चों के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सा फिर रहा है, ये वहाँ क्या करेगा? वही तो डैड, समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे, थक गई हूँ समझा समझा कर, पर वो समझता ही नहीं है। डैड प्लीज आप कुछ भी करें, कुछ भी कहें, पर उसे फोर्स करें कि वो यहीं रुक जाए। बात करता हूँ। हाँ वो हाशिम लंदन जा रहा है। अरे वाह, ये बात तो सोमी ने खुद बताई। कोई नई बात है तो बताओ। हैदर मेरी बात सुनो। मैंने सोमी को फोन पे बात करते सुना था, काफी परेशान लग रही थी, जिससे भी फोन पे बात कर रही थी उनको हाशिम का लंदन आना पसंद नहीं आ रहा। वो तो पता नहीं उनको पैसे भी दे रही थी और बहुत परेशान लगी थी भाई। उसने तो पुलिस तक बात पहुंचा दी। और कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सोमी किस हाल में। अब देखो हम अब क्या कर सकते हैं। सोमी ने आज तक मेरी बात नहीं मानी, उसके जो दिल में आता है वो करती। अब जब तक सोमी या हाशिम में से आकर खुद हमें कुछ ना बताए हम क्या कर सकते, वरना लोग समझेंगे हमने उनकी बातें सुनी। You understand my point? हैदर मैं तो बस ऐसे ही परेशान हो गई थी। देखिए वो हमारी बहन है, हमने ही तो उसका ख्याल रखना है। तो फिक्र ना करो, सब ठीक। अब रिलैक्स, मैं फ्रेश होके आता हूँ। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने आपको सेहत दे दी और आप दोबारा अपने घर वापस आ गए, बहुत खुशी हो रही है अंकल। हाँ भाई,
तुम लोगों की दुआएं और काफी से काम आ गए। अल्लाह ताला मेहरबान हुए, वरना दिल ने तो जवाब दे दिया था। अगर बेटा तुम ना हॉस्पिटल आए ना घर पे मिले। वो बात ही अंकल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो असल में मुझे एक आध महीने के लिए ना इंग्लैंड जाना पड़ रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन और दूसरे कामों में मसरूफ़ था। लेकिन मैं आपकी तरफ से गाफिल नहीं था, मैं हॉस्पिटल से अपडेट ले रहा था आपके बारे में। ठीक है बेटा, लेकिन तुम तो अपनी सौतेली फैमिली से गायब थे, फिर ये तुम्हारा अचानक लंदन जाना मेरी समझ से बाहर है। फिर वो जो तुमने एक एग्रीमेंट साइन कराया था, वो जोहान लेदर जो डील कराई थी, तुमने साइन मुझसे लिए थे एग्रीमेंट पे, उसका क्या बनेगा? जी वो मैंने साइन तो करवा दिए थे, डील भी हो गई थी, बाकी सारी कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपका सारा ऑफिस का काम कर दिया है, एक एक चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सेट कर दी है, बल्कि ज़्यादा ही किया। आप जाकर देखेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। आपको तो पता है सिर्फ आपकी वजह से मैं लेदर चौहान के साथ जुड़ा हूँ, वरना ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, आपको पता है अंकल। तुमने लंदन जाने का सोच लिया, सो तुम जाकर रहो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं ना जाऊँ, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दूँ सौतेले भाइयों के लिए? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सोमी। अंकल आप समझाएं इसे। आप मुझ सवाल हो बेटा, आप वो कौन सा सारी उम्र के लिए जा रहा है, मैं वापस आ जाना है भाई, एक आध महीने की बात है। तुम्हारा बाप मिलता है मुझे। थैंक यू अंकल, जाओ अंकल के लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आओ। शुक्र है, खुशी खुशी हो रही है। ये देखो हाँ फरहान जी, मैं आ रही हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ कि आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच ना सकूं, आ रही हूँ मैं। अरे हाँ प्लीज तुम विनी का ख्याल करना, मैं जरा काम से आ रही हूँ। और हाँ, हैदर को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ। नाजिया, ये जरा इसे खाना खिलाओ, दिखा के मैं जरा आती हूँ। फरहान जी, मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं हाशिम को रोक नहीं सकी। मैंने उसे अपनी जान तक का वास्ता दे दिया, लेकिन वो माना ही नहीं। आप खफा तो नहीं है मुझसे? देखिए मैं आपकी सारी रकम वापस लौटाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज हाशिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
चलें। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने अपनी आखिरी गाड़ी भी भेज दी है, कल आकर उसका मालिक उसको ले जाएगा। मगर हाशिम क्यों, वापस आओगे तो इस गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। वापस आऊंगा ना तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बहुत प्रॉपर्टी होगी, फिक्र मत करो। हाशिम मैं तो कहती हूँ मत जाओ, आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल पागल हो यार, दो घंटे रह गए मेरे जाने में, अब तुम कह रही हो हाशिम प्लीज मत जाओ। जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। चलो चलो। हैदर। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? हैदर वो मैंने आपसे सोमी की कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करनी थी। हाँ हाँ, तुमने मुझे बताया तो सुबह कि वो किसी लड़के से मिलने गई थी, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए थे। हाँ मुझे लगता है कि आज का एक्सीडेंट भी ना उसी वाक्य से रिलेटेड है। क्या मतलब? देखिए मेरी बात का प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सोमी ने ये एक्सीडेंट करवाया हाशिम का। सोमी ने? मगर क्यों? आहिस्ता बोले, सोमी ने सुन लिया तो फिर एक नया ड्रामा शुरू कर देगी। सोमी नहीं सुन लेगा, तुम प्लीज अपनी बात कंप्लीट करो। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, शायद वो नहीं चाहती कि हाशिम लंदन जाए, उस पर ट्रस्ट नहीं करती होगी इसीलिए। और इसी वजह से उसने अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया, उसे मारने की कोशिश की और खुद भी फ्रंट सीट पे बैठी। वाह, प्लीज बच्चों वाली कहानियां बनाना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुने, रुके तो सही, मेरी पूरी बात तो सुने। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वही लड़का है जिससे सोमी मिली थी, आज जिसने एक्सीडेंट किया गाड़ी। Are you sure कि ये वही लड़का है? हाँ, क्योंकि ये वही लड़का है जिसने सोमी को उस दिन डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और वो फरा आंटी को कॉल करके कह रही थी कि वो उनको वसूली के पैसे भी दे देगी। फरा आंटी? अभी फरा आंटी कौन? ये तो मुझे नहीं पता कौन है। क्या मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सोमी मेरी बहन इस किस्म के काम कर, मुझे तो नफरत हो जाएगी उससे। अपने शौहर को मारने की वो कैसे कर सकती कोशिश? सोमी तो रुपए पैसे शॉपिंग वगैरह की शौकीन है, ये पता नहीं किन मामलात में पड़ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ करना होगा। चले ऐसे क्या देख रहे हैं? बाहर हो कभी तो नजर पड़ी जाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर मोहब्बत और एतमाद ना हो तो वो इत्र की उस बोतल की मानिंद होती है जिसकी खुशबू उड़ चुकी है। चलो सोमी और हाशिम को देखें, उनके साथ एक हादसा पेश आया। क्या कहीं हैदर को तो कुछ नहीं हुआ, उन्हें चोटें तो नहीं लगी?
ठीक है वो। अच्छा होता फिर हाँ भी मर जाती कहीं। मुझे किसी और काम से भी जाना है, अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी चलो। मैं सोच रही थी कि दो चार दिन वहीं रुकाऊं, बहुत बोर हो जाती हूँ मैं यहाँ। मेरी नरमी को मेरी बेगैरती मत समझो, और मैं तुम्हें तुम्हारे आशिक के कदमों में खुद ही नहीं छोड़ाऊंगा। पछता रही होगी ना? मैं क्यों पछताऊंगी, एक्सीडेंट मैंने थोड़ी ना किया। जिस दिन से मैंने जाने का कहा ना, तुम्हारा रोना शुरू हो गया। ऐसी नहुसत डाली है सफर पे जाते हुए कि यहीं पड़ा हूं। बाजी? हाँ आ रही हूँ। तुम्हारे लिए क्या भिजवाऊँ, कॉफी या जूस? काम करो, जहर भिजवा दो मेरे। मेरे बस में होता ना तो दे भी देती, इतने नाज नखरे नहीं उठाती मेरे से। क्या मेरे बस में होता तो दे भी देती, यहां वापस आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अगर मेरा फोन खुल गया ना, मेहताब साहब की तबीयत ठीक हुई ना, तो वो सबसे पहले बिल की तरफ तवज्जो दे। आशिम, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने हाशिम को रोकने के लिए आपसे पैसे लिए हैं, लेकिन मैं वो वापस करने को तैयार। शौहर की जान से ज्यादा मुझे चंद लाख रुपए अजीज नहीं है। जो भी बेवफाई से मेरा शौहर कि एक बात याद रखिए, अगर हाशिम को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्या कर लूंगी, ये जो आपकी कॉन्वर्सेशन है ना, ये कोर्ट में लेकर जाकर आपको सजा करवाऊंगी, और वो पैसे जो आपने मुझे दिए हैं वो एज इट इज मेरे पास पड़े होंगे। और वो हुंडा जिसको आपने हाशिम की जान लेने के लिए भेजा था, उसे अच्छी तरह पहचानती हूं मैं। आप तो ये भी भूल गई थी कि मैं भी उस वक्त हाशिम के साथ थी, मैं भी मरने वाली थी। हैदर, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वही बातें यार, सब ठीक होगा। मैंने कहा ना, इतना सब्र किया तुमने, थोड़ा और कर लो। जब से इस घर में आई हूँ एक दिन सुकून का नहीं मिला, मुझे तो लगता है हमें घर ही रास नहीं आया हैदर। और आपको पता है सोमी ने फिर फरा आंटी को वार्निंग दे दी है। कैसी हो और कब? अभी तो हमारे साथ नीचे डैड के पास। अभी वो फोन पे बात कर रही थी उनसे। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये फरा आंटी है कौन, कोई डॉन है, कोई 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 गुंडा है, क्या है? फरा आंटी? हैदर,
फरहा आंटी हाशिम की सौतेली माँ है। अब समझे। खैर तुम फिक्र ना करो, बस आमिर के जाते ही इस मसले का भी हल निकल गया, क्योंकि डैड ने सोमी को हाशिम के साथ भेजने का फैसला कर लिया। रियली? तो फिर इसका मतलब है सोमी भी दो तीन दिन में हाशिम के साथ चली जाएगी? कोर्स, जाहिर। डैड को उसकी सारी गलतियां नजर आ चुकी, उसके पास यहाँ इस घर में रहने की कोई वजह नहीं है, और डैड ने मुझे दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने को भी कहा। ऐसा तो होना ही था, अब उनका ऑफिस और कौन संभालेगा? हाँ, मैंने कितनी दफा कहा है कि बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी। मैंने पाल पोस के हमें बड़ा किया है, अच्छा नहीं लगता। ऊपर मामू के पास बैठे हुए, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हुमा, तुम्हें जरा सी भी अकल है? अगर आमिर या रहाब ने देख ले तो वो क्या सोचे? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैदर? मैं आमिर से खुला लेने वाली हूँ। क्या आपसे एक ही इल्तिजा है, प्लीज मुझे ब्याह कर ले जाए, मुझे यहाँ आप किसी भी कोने में रखेंगे मेरे। हुमा, बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम मेरे दोस्त की बीवी ना होती ना, तो तुम्हें वो सबक सिखाती, सारी जिंदगी याद रखती। कोई औरत भला अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी कैसे सकती है? ऊपर तुम्हारा शौहर बैठा है और तुम नीचे एक नए मर्द के साथ ब्याह की बात कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। मुझे इश्क अपना आप मनवा लेता है हैदर साहब। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर कब जान छूटेगी मेरी, कब देंगे मुझे खुला? तलाक तो मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त दे दूं, लेकिन तुम्हारी मरी माँ का चेहरा सामने आ जाता। वो जा चुकी है और ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। तो क्यों की थी मुझसे शादी? देखो अम्मा, तुम जो कुछ सोचे बैठी हो वो सरासर एक शराब है। क्यों तुम दर दर की ठोकरें खाकर अपनी माँ की रूह को तकलीफ देना चाहती हो? मैं तो अभी भी पछता ही रही हूँ ना, आपसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तो ठीक है, मैंने भी वकील से बात कर ली है, बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जैसी औरतों को ना दीन में जगह मिलती है ना दुनिया में। डर चुकी हो तुम मेरे दिल से,
मैं तो खुद सूली पे लटका हुआ हूँ यार, गुलामी का फंदा कभी मेरे गले का तौक बन सकता। मैं फ्लाइट मिस नहीं कर सकता था ना। अगर तुम बेफिक्र हो, परसों का सूरज मेरी आजादी का परवाना लेकर तुलू होगा। डर क्यों रहे हो? तुम कोई छोटे वकील हो और वो कोई वडेरा है क्या? वैसे भी एक हफ्ते तक मेहताब और उसका बेटा बिजनेस अफेयर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बेफिक्र रहो। चलो बाद में बात करते। हाशिम, क्यों आई हुई आप? नफरत हो रही है मुझे तुम्हें यहां देखकर। बस प्लीज, जब तक मैं यहां पर हूं ना, अपने आप को किसी और रूम में एडजस्ट कर जाओ। हाशिम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता नहीं मैं कैसे किसी लम्हे के बहकावे में आ गई और वो पैसे ले गए। वैसे तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि तुम अकेले जाओ, लेकिन और ऊपर से फरांटी की कॉल आ गई। पर आई स्वेयर इस एक्सीडेंट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। ये तुम्हारी स्टेप मॉम की ना अपनी कोई चाल थी। ये तो मेरे हाथों लिखी है, मगर तुम? लेकिन क्या, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हाशिम कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से जा। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है। नहीं, अभी नहीं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि सोमी ने ऐसी हरकत की। यकीन भी नहीं आ रहा कि वो ऐसा भी कर सकती। इसीलिए हैदर, इसीलिए मैंने आपको हर बात से बाखबर रखा ताकि किसी भी संगीन सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। मगर हाँ, उसकी तो आदत है, मैं जानता हूँ कि हर बात का कसूरवार तुम ही हो। और आप? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। चलो शुक्र है आप स्वामी की तरह नहीं, वरना तो मेरा इस घर में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता। मैं तो तुमको पहले बता दिया था कि स्वामी बिल्कुल अपने डैड की तरह, बल्कि उनसे भी दो हाथ आगे। आपको पता है भाई, स्वामी वनीजे को भी मुझसे दूर करना चाहता है, उसे अपने साथ चला के। पता नहीं इस हरकत का क्या अंजाम होगा। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए नई खुशियों का बंदोबस्त किया, तुम उसके साथ दिल बहला। इधर सबसे पहले वनीजे, फिर और वनीजे। ये तो है, वैसे एक प्रॉमिस कर लो। प्रॉमिस? ऐसा प्रॉमिस? यही कि हमारे जितने भी बच्चे हो जाएं, तुम जितना भी मसरूफ हो जाओ, मेरे हिस्से का वक्त मुझे हमेशा दो, क्योंकि मैं तुमसे दूर ही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, प्रॉमिस। और कहीं फिलहाल इतना। का फोन क्यों बन जा रहा है? दोबारा ट्राई करते हैं, कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो। हाशिम कहाँ हो यार, इतनी रात हो गई, तुम घर वापस क्यों नहीं आए हो? हाशिम मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूं। हाशिम पर परसों तुम्हारी सुबह फ्लाइट है यार,
हाशिम प्लीज घर वापस जरूर आओ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। जान, ये तो नहीं पूछूंगी कि आप इतने परेशान क्यों हैं, लेकिन मैंने कभी आपको इतना बेबस नहीं देखा। आप क्यों अपने दिल पे इतना बोझ डाल रहे हैं? ये तो पहले ही थक चुका है। आजा, एक बात कहो। जी भाईजान, जरूर कहें। अगर मुझ पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो क्या तुम सारे गिले शिकवे भुला दोगे? खुदा ना करे भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे आप पे बुरा वक्त आए, और मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहन जो हूँ। मेरी सगी बहन, बैठो। यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। यहाँ पर भाईजान आपके बेड पे। हाँ बैठो यार, करीब बैठो। भाईजान, आपका मेरा रिश्ता तो कयामत तक ना टूटने वाला है। मेरा आपका खून का रिश्ता ही नहीं, मेरा तो दिल का रिश्ता भी आपसे। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे छोड़ कर ना जाना, यहीं रहो, इसी घर में रहो, मेरे सामने, मेरे पास। बेटी के घर पर कब तक रहूंगी भाईजान? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बहन बेवा होने के बाद भाई के घर तो रह सकती है, फिर भी लोगों का खौफ। आप ठीक कह रहे हैं, क्यों लोग बातें बनाएंगे? मैं हैदर से कह के तुम्हारा मकान बिकवा दूंगा और जितनी भी रकम आएगी उसे एहतियात से तुम्हारे नाम से बैंक में जमा करवा दूंगा। नहीं भाईजान, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब मैं आपके पास ही रह रही हूँ तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी? नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। नहीं आज ना, नहीं समझती नहीं हो। मरते दम तक उस रकम को अपने नाम ही रहने देना, उसे इंसान की वर्थ बढ़ती है, वरना तो औलाद भी साथ छोड़ देती है। औलाद भी साथ छोड़ देती, अपने नाम ही रखना हो सकम को। कोई नहीं पूछता, पैसा ना हो तो कोई नहीं पूछता।